मॉर्निंग क्लास प्रेस स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 इज 16 देन फाइंड द नंबर्स ओके बेटा इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 से कल सॉल्व करवा दिया था आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे ठीक है देखना ध्यान से इसको आप पूछो कोई कुछ पूछना है कौन बुला रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 इज 16 देन फाइंड द नंबर्स आपको नंबर फाइंड करना पड़ेगा चलो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 आर x x plus 1 एंड x minus 1 ओके फाइंड आउट करेंगे यहां पर पहले हम लिखेंगे लेट द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 लेट द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 बी x माइनस 1 कॉमा x एंड x प्लस 1 ओके दीज आर थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 ओके नाउ अकॉर्डिंग पार्ट x plus 1 plus 6x plus 6 into x minus 1 is equal to 16. The sum of these multiples means these are multiples of 6. 6 into x plus 1, 6 into x plus 6 into x minus 1. Okay? इनका हमने सम करते हैं, इनको ऐड किया, तो इनका सम कितना दिया गया है? 60 दिया गया है. चलो ब्रेक इट आउट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 ये 6x होगा, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, ये 6x होगा, फिर 6 को 6 मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x होगा यहां मल्टीप्लाई करेंगे 6 और जैसे 6 इक्वल टू 60 हो गया ये 6 त्रिज्या 18 आपको हो जाएगा 18x और ये 6 और 6 टाइम हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 60 सॉरी बेटा 90 दिया गया 60 नहीं 90 हमने यहां डिवाइड किया 90 को 18 से 18 और 18 18 का 90 देन x इक्वल टू कितना आ गया 5 अब हमने थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल कंसीडर किए हैं तो फर्स्ट मल्टीपल देखिए कितना होगा 6 * x + 1 है दूसरा है 6x तीसरा 6 * x - 1 ठीक है अब हमको इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा ओके तो हम फाइंड करते हैं फर्स्ट मल्टीपल कितना है आपका 6 into x plus 1 ये हो जाएगा 6 into x की वैल्यू 5 है 5 plus 1 हो जाएगा ये हो जाएगा 6 into 6 6 6 कितना होगा 36 होगा नेक्स्ट सेकंड मल्टीपल देखते हैं सेकंड मल्टीपल क्या होगा इसका सेकेंड मल्टीपल हमने कंसीडर किया है जिसके भी मल्टीपल है ये 6x है 6x तो x की वैल्यू 5 6 का कितना होगा 30 होगा नेक्स्ट थर्ड मल्टीपल देखना है थर्ड मल्टीपल क्या होगा इसका 6 into x minus 1 तो 6 into x की वैल्यू 5 है तो 5 4 minus करने पर 4 आएगा 6 हो जाए 24 ये आपके थ्री मल्टीपल हो गए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये थ्री मल्टीपल आपके हैं 6 के ठीक है इनका जो सम होगा कितना आएगा 90 है इनको नोट कर लीजिए आपको हाँ
सेकंड मल्टीपल 6x है, ठीक है 6x है, सेकंड मल्टीपल 6x है, x की वैल्यू 5 है, 6 5 को 30 हो गए। ओके नोट हो गया सबका, ओके जो होमोजीनियस वैल्यू से हमको कर लिया है बेटा, लास्ट टाइम मैंने दिया था होमवर्क ना, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा, तो कंसीडर करेंगे लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बोला है यहां से फ्रैक्शन को हम मैं प्रोसीजर कर देते, ठीक है एक्स प्रोसीजर कर लिया हमने, बट यहां पर हम देखेंगे एक्चुअल फ्रैक्शन ना, जो हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन है उसको हम देखेंगे। एक्चुअल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्चुअल फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है हमने एक्स माना है फ्रैक्शन को, 4 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्या किया जा रहा है, 1 जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ऐड किया जा रहा है, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी को फाइंड आउट करना होगा, x 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, आज मल्टीप्लाई करेंगे x को 2 को 1 से दिया तो 2x हो जाएगा, इसी को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हुआ बेटा इमेज एकदम क्लियर जा रही है, क्या सभी को क्लियर दिख रहा है, ओके प्लीज वेट, ओके अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, यूज आएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, इधर आएगा तो 1 प्लस 6 हो जाएगा, हमें 7 हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे x इक्वल टू 7 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब हमारा एक्चुअल फ्रैक्शन कितना था, देखिए हमने एक्चुअल फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट किया है, एक्चुअल फ्रैक्शन हमारा कितना है, एक्चुअल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 4 बाय x, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 4 अपॉन 7 हो जाएगा, 7 से 4 को माइनस करेंगे 3 अपॉन 7, ये हमारा फ्रैक्शन होगा 3 अपॉन 7, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। व्हाट क्रिएशन
इमेज क्लियर जा रही है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज द रेशियो 3:2:4 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। लेट द एंगल्स बी 2x, 3x and 4x। ठीक है, दिया है क्या ट्रायंगल्स है? ठीक है, बेटा यहाँ पर ट्रायंगल्स दिया गया है, ट्रायंगल्स के होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ओके बेटा, हाँ नोट कर लीजिए।